अरे चाची प्रणाम प्रणाम चाची खूब भैया बाबड़े घर में सब बढ़िया बाल बच्चा चाची हमारी सब बढ़िया आज तुम यू खुने यहाँ घूमन मेरा चौक तक जाना है। अच्छा क्या प्यारो मौसम हुई वाह चाची मजे तुम्हारे तो बढ़िया से चाची जब हमारे मोहन बोलता बारे तुम हमारे कभी अगवे छोटी लियो कभी अगवे छोटी लियो है मरोड़ा ना हमारे अच्छा चार पैसे यहाँ हमको ना क्यों भाई बोलो क्या नौ चले यार चाची हम कबा लिया तुम ये फोन चल अभी चल अभी तो चाची अब मौसम भी दियोगा तुम खाने फोन क्या नहीं था अब ये कोई अड़ा मैं जान से बड़े यहाँ घोरे जो घोर जान जरूर अम्मी बोलो चे माती हम स्टे हुए जो रात जान चो होटल रात मुश्किल घोर जा घोरे जान पड़ता अयो दे आई भी जाए कारवाई यौन पूछमी ते बल माती स्टे हुई बल मैंने बोली स्टे तो पता नहीं मैंने बोलता नहीं तो ना स्टे नहीं होनी पर चाची स्टे तो कंच है से मरते ही तान यू गिटार नहीं हुई ये कब जो होनी होता और तुम मना वापस जा बल ये फोन जो होगा ये की फोन बजो ना तो चर यो तान नहीं बजो तो चाची यो तान तो बजो ना पड़ी यो तो चाची मेरू गिटार अच्छा ना कमरे दो यो चे ये पापा अरे ये मैं यान सुर यान ताल होने की आहा भले मी पर जान नहीं हो मैं अभी सीखूं बैठा जरा यो तान ले बैठा बजो रे बैठा हम भी बैठा अच्छा गाना मत अर्थ मन लाने में खाली बजो मैं कुछ मैं क्या हूं ना ताचू मत ताचू मत मैं खाली सुन लो तो बजो कन लेके था बा यस वो गा ताचू मत चुमले डिंगड़े तालो ताचू मत ताचू मत चुमले डिंग तालो आहा चाची खान वाह 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 वा। नी अब मैं चरा सीखियो रंचे हुई चाची अब आर मिन्ना चेल चे तुम ये बोन में वेग जानी वेग से आज रंग मत मन्ना ने लगी चे मन्ना ने ये बोन पर क्या गन मीपा जाने नहीं होने बेबा नहीं जाने बजो तो क्या तू बोल रहा है मैं खाली ये निकान होने को ओ बजो जा तो चला चाची अब क्या गन अब मौसम भी खराब होने खराब है जी घरे जो नहीं हाँ चला चाची चला चला चाची धन्यवाद धन्यवाद बस क्या बोल नमस्कार उत्तराखंड दर्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण और मेरे साथ वन विभाग के जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं वरिष्ठ अधिकारी हैं गौरव कांत जी ये हमारे बीच यहाँ पे कांचुला खर्क जो कि कभी ज़माने में कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र था आज वीरान पड़ा हुआ है उस संदर्भ में हमारे से वार्तालाप करना चाहेंगे और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्यों ऐसा हुआ कि जो यहाँ पे जो कस्तूरी मृग का एक बड़ा संरक्षण केंद्र था और आज वीरान पड़ा हुआ है क्या इसके पीछे का कारण है। कस्तूरी मृग बने कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाए। तो इसी संदर्भ में चलो, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि विगत 5 या 6 सालों पूर्व यहाँ पे कस्तूरी मृग का संरक्षण केंद्र था जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहता हूँ कि अब है नहीं। यहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण केंद्र बने हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पूरा विस्थापन जो केंद्र था वो सारा यहाँ पे था। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है रीज़न बिहाइंड दैट कि प्रकृति के द्वारा कुछ छेड़खानी की गई एटमॉस्फियर वातावरण जो है अब कस्तूरी मृग के लिए यहाँ पे अनुकूल नहीं है जो वातावरण अनुकूल होता है वह यहाँ पर विद्यमान नहीं है। इसके कारण चलते हुए यहाँ पे कस्तूरी मृग का विस्थापन पूर्ण किया गया है। अब यहाँ पर जो जितना भी संरक्षण केंद्र था वो अब है नहीं बट कहना चाहते हैं कि पूरा गवर्नमेंट ने पूरी जो है संरक्षण केंद्र के लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है।
अब यहाँ से जो कस्तूरी का जो संरक्षण केंद्र है विस्थापित किया है ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर, जो काफ़ी दूर है। और नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि कितनी दूर यहाँ पे संरक्षण केंद्र है, वहाँ पे थोड़ा बाध्य है, वहाँ पर आदमी जो है मतलब ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। यही है, धन्यवाद जी। तो धन्यवाद गौरव। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कस्तूरी मृग का संरक्षण क्षेत्र है, पूर्वगत करीबन यहाँ से 5 साल पहले कस्तूरी मृग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा संरक्षण केंद्र था, लेकिन विगत कारणवश प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के चेंज के कारण, गर्मियों के कारण कस्तूरी मृग को यहाँ से ऊपर प्रस्थान करने वो किया गया, जो कि हमारा बहुत नुकसानदायक एक पहल था। आपको दिखाते हैं कि 5 साल पहले यहाँ पर क्या था और अब क्या नहीं रह चुका है, आइए आपको दिखाते हैं। जो कस्तूरी मृग थे अराउंड 15 से 16 कस्तूरी मृग थे और ठंड की वजह से यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब ठंड जो है कम हो चुकी है, इस वजह से जो है वन विभाग कस्तूरी मृग को यहाँ से प्रस्थान कर चुका है और डिस्पैच कर दिया है यहाँ से काफ़ी ऊपर। तो हम आपको दिखाते हैं कि पहले जो कस्तूरी मृग थे यहाँ पे हम कैसे उसको संरक्षण में रखते थे। अभी तो दुर्भाग्यवश जो है यहाँ पे जो है ताला लगा हुआ है, तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं। और यहीं पे जो है इसका संरक्षण था। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे कस्तूरी मृग को हम रखा जाता था, उसके लिए ये जो खाने का हमारा पात्र था इसमें सब कुछ खाना उसको दिया जाता था, लेकिन ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन और ह्यूमन उसकी वजह से एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से यहाँ पे कस्तूरी मृग रह नहीं पाए। और दिखाई दे नहीं जी, कस्तूरी मृग रह करते थे। ये वॉशरूम टाइप है यार।